नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे ई रूपी वाउचर के बारे में। अरे रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आगे जाके हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारे देश के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आपने अक्सर ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं तो वो जो जिसको देना होता है उसको मिल ही नहीं पाता है, बीच में जो मिडिल मैन होता है वही खा जाता है, या फिर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उनसे घूस मांगते हैं ताकि उनका जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसको वो उनको वापस कर सकें। और इस कारण से जो कॉमन मैन होता है, जो हम लोग आम आदमी होते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। छोटे छोटे कामों के लिए उनको सरकारी लोगों को घूस देना पड़ता है, और अगर घूस ना दो तो काम नहीं होता है। वो जो पैसे सरकार की तरफ से आते हैं वो वही लोग खा जाते हैं, और बाद में गवर्नमेंट को दिखा देते हैं कि ये जो पैसा था वो जिनको भेजना था उनको मिल गया है। और ये कॉमन मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो आम आदमी होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं सब चीजों में फेस करना पड़ता था। गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे तो मिल जाते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं पहुंचते थे। फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे कि आपके घर में किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन मान लेते कि अगर आपके घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है और आप चाहते हो कि सरकार की तरफ से जो फायदे मिलते हैं इलाज करवाने के लिए वो आपको मिले, जो कंसेशन मिलता है पैसे में वो आपको मिले, तो आप जाते हो, भागदौड़ करते हो, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक लग जाते हैं। फिर वहां से गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं और वो पैसे आपके पास पहुंचने के लिए आपको सरकारी कर्मचारी के तलवे चाटने पड़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनको घूस देना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके वो अपना कमीशन वमीशन काट कूट के आपको कुछ पैसे दे देता है, फिर जाके आप किसी तरीके से अपने घर वाले का इलाज करवाते हो। लेकिन अब आपको इन सब चीजों से राहत मिलने वाली है। ये सब जो करप्शन किया जाता था बीच में, जो सरकारी कर्मचारी होते थे कभी वो पैसे खा जाते थे, कभी दलाल पैसे खा जाता था, तो इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने 2-3 दिन पहले ही ई रूपी वाउचर लॉन्च किया है। ई रूपी वाउचर को आप डिजिटल करेंसी से कंफ्यूज मत होना। डिजिटल करेंसी एक अलग चीज है, ई वाउचर एक अलग चीज है। तो ये जो ई रूपी है वो एक वाउचर है। जैसे आपको फ्लिपकार्ट पे वाउचर मिलता है, अमेजन पे वाउचर मिलता है, और उस चीज को यूज करके आप अपने अमेजन वैलेट में या फिर फ्लिपकार्ट वैलेट में पैसे ऐड कर लेते हो, और उससे फिर आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे शॉपिंग करते हो। अब ये जो ई वाउचर है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आएगा, और जिस काम के लिए आपने गवर्नमेंट से उसको लिया है आप सिर्फ उसको उसी काम में खर्च कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ने आपको उसको मेडिकल फैसिलिटी पे खर्च करने के लिए दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में ही उसको यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसान है और उनको खाद खरीदना है। खाद खरीदने के वो सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले पैसे आते थे तो वहाँ पे लोचा होता था, लेकिन अब ये होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से उस किसान को वाउचर आएगा डायरेक्ट उनके मोबाइल पे, और उसी वाउचर को यूज करके वो डायरेक्ट जाके अपना खाद खरीद सकते हैं, कोई और चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। तो पहले ऐसी चीज़ें होती थी कि जैसे किसी को मेडिकल की ज़रूरत नहीं भी है तो भी उसने फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया, जब पैसे आते थे तो वो उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लेता था। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के लिए दिया है तो आप सिर्फ उसको मेडिकल फैसिलिटी पे यूज़ कर सकते हो, पैसे नहीं निकलेंगे आपके पास तो वापस स्कैम नहीं कर सकते हो। और वो जो किसान था जिसको खाद खरीदना था वो सिर्फ और सिर्फ उसको खाद खरीदने में यूज़ कर सकता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हुई, एक तो जो सरकारी कर्मचारी था वो वहां पे घोटाला नहीं कर पाएगा, और दूसरा ये कि जो पहले लोग फर्जी कागज बनवा के पैसे निकाल लेते थे वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इस ई वाउचर के कारण जो पेमेंट होगा वो फटाफट होगा, इंस्टेंट पेमेंट। जैसे आप UPI से तुरंत गूगल पे कर देते हो, पेटीएम कर देते हो, फोन पे कर देते हो, उसी तरीके से ई वाउचर से आप तुरंत फटाफट पेमेंट कर देते हो। तो जो भी यूज करने वाले होंगे, जिनको जरूरत होगा, वो तुरंत फटाफट पेमेंट करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा सिक्योर स्टेप है। जिनको वाउचर भेजने हैं वाउचर उन्हीं को मिलेगा, कोई बीच में कोई नहीं आएगा, किसी और को नहीं मिल सकता है। तो इससे हमारे कंट्री को डेवलपमेंट में बहुत फायदा मिलने वाला है। हमारे कंट्री के अंदर जो स्कैम चलते थे, हमारे कंट्री के अंदर वो जो लोग बीच में दलाल आके पैसे खा जाते थे वो चीजें बंद हो जाएगी, और जो लोग गवर्नमेंट को चूना लगाते थे वो चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये जो ई वाउचर है वो सक्सेसफुल होता है, अच्छे तरीके से हर जगह यूज होने लगता है, तो हमारे GDP को 14% तक का बूस्ट मिल सकता है। तो ये हमारे कंट्री के GDP के लिए बहुत अच्छा है। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।